हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद्यमान में। आपको पता है कि 450 केंद्रीय विद्यालय नए खुले हैं जहां 900 शिक्षकों की भर्ती होनी है। तो जयपुर रीजन के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय भरतपुर से वैकेंसी है और 18 तारीख को जो है ये नोटिस पब्लिश हुआ है, 18 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए फटाफट से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज यहाँ रहने वाली है, तो 3 पेजों की ये कम्प्लीट नोटिफिकेशन है केंद्रीय विद्यालय भरतपुर से। 17 जुलाई को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ है। सब्जेक्ट है इसका रिगार्डिंग पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, और लास्ट वाले पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। उसमें कुछ नया है जो कि हम अभी देखने वाले हैं। संविदा शिक्षक हेतु यहाँ इंटरव्यू होगा आप लोगों का, कोई एग्जाम आपका नहीं होगा। यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो 12th मांगी गई है 50% अंकों के साथ, साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ प्री प्राइमरी एजुकेशन में कोई भी, ठीक है, या फिर आपने बीएड नर्सरी भी किया है तो भी आप यहाँ एलिजिबल हो। यानी याद रखना है आपको 2 सालों से कम का ही जो है आपका यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए। साक्षात्कार की तिथि जो है यहाँ 25 जुलाई है और 8 बजे से 12 बजे तक आपका साक्षात्कार रहेगा, लेकिन आपको 8 बजे से पहले ही पहुंच जाना है क्योंकि 8 बजे से 10 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर समय से जो है पहले आप लोगों को पहुंच जाना है। क्या लेकर जाना है आपको, तो इच्छुक अभ्यर्थी अपना प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इसी पीडीएफ फाइल के सबसे नीचे दी गई है उसे भरना है डाउनलोड करके, साथ में जो है अपनी ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र है और उसकी जो छाया प्रतियां यानी फोटो कॉपी है उन पे सिग्नेचर करना है, फोटो कॉपी पे सिग्नेचर करना है और आपको इंटरव्यू की तिथि को अपने साथ ले जाना है। ठीक है, पोस्ट वगैरह करने का यहाँ कोई सिस्टम इन्होंने नहीं लिखा है, यहाँ पर आपको खुद ही उसी दिन जाना है 25 जुलाई को 8 बजे से 12 बजे तक इंटरव्यू आपका रहने वाला है। यहाँ फोन नंबर पर लिखा है कि शिक्षण हेतु यानी टीचिंग के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य है, तो जो आप स्कूल में टीचिंग करेंगे वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी, थोड़ी बहुत कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। इंटरव्यू देते समय जो है वो आपको अगर बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो आप वहाँ पर जो भी इंटरव्यू ले रहे होंगे उनसे आप उस पैनल से कहेंगे कि जो है मैं हिंदी भाषा में ही जो है इंटरव्यू देना चाहूंगा क्योंकि इसी में मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। ठीक है, तो आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उनके हर प्रश्न का आंसर दे पाओगे। और अगर आपको नहीं आती है और फिर भी आप जो है वह जबरन इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे तो आप जो उनको दिखाना चाहते हैं वह भी आप नहीं दिखा पाएंगे, अपनी जो स्किल है कौशल जो है वह भी आप उनको शो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसी में आप इंटरव्यू दें। तो केंद्रीय विद्यालय की जो इस वाले एप्लीकेशन में, भरतपुर वाले एप्लीकेशन में जो है वो मैंने कुछ जो है वो एक चीज देखी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर जो दी गई है तो वह प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए जो है वो चाहिए ही नहीं, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम है, सीटेट है, ठीक है, तो ये तो नहीं चाहिए होता है, फिर भी यहाँ कॉलम दिया हुआ है। तो आप ये समझ सकते हो जो कि भरतपुर का स्टूडेंट है और केंद्रीय विद्यालय भरतपुर ये इसके बिल्कुल नजदीक है और जो प्राइमरी टीचर्स हैं 1 to 5 के वो भी यहाँ अगर ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ही बढ़ता है। मान लीजिए उन्होंने आपको ले लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, और नहीं लिया तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा कि इंटरव्यू में क्या क्या होता है आपको पता और जानने को मिलेगा। तो बिल्कुल एक बार ट्राई जो है जरूर करना चाहिए, कोई फीस नहीं लग रही है यहाँ पर, तो अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरें, क्योंकि अगर आपने प्राइमरी कोर्स किया है और डीलेड आपने किया है तो आप यहाँ पर सीटेट 1 to 5 भी आपने पास किया ही होगा, तो यहाँ आप जो है वो भर सकते हैं और जा सकते हैं। हो सकता है बाय लक वहाँ पर कोई प्री प्राइमरी टीचर जो है वो इंटरव्यू देने ना आए और आपका लक जो है वो काम आ जाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।